स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। दालूराम स्वीट्स मिठाई फैक्ट्री को किया गया सील। गौर सालीवाडा क्षेत्र में चल रही अवैध मिठाई फैक्ट्री पर खाद्य विभाग द्वारा बुधवार को बड़ी कार्रवाई की गई। बरेला थाना अंतर्गत ग्राम सालीवाडा क्षेत्र में चल रही अवैध मिठाई फैक्ट्री सुरेश एंड सन्स, जो कि नामी ग्रामी दालूराम स्वीट्स की है, खाद्य अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव एवं सालीवाडा ग्राम पंचायत के सरपंच सौरभ राय द्वारा बताया गया कि फैक्ट्री का संचालन लगभग 2 वर्षों से चल रहा है और फैक्ट्री में अवैध रूप से मिलावट वाली मिठाई निर्माण कर दालूराम स्वीट्स के नाम से बेची जाती है। आपको बता दें कि फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर, 10 भट्टी भी मिले हैं, जिन्हें जब्त कर गैस एजेंसी के सुपुर्द किया गया है। आज हमको सालीवाड़ा गौर स्थित एक फर्म में शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर अवैध निर्माण मिठाइयों का निर्माण किया जा रहा है, तो जिसके क्रम में आज हमारी टीम ने यहाँ पर निरीक्षण किया है तो फर्म में पाया कि सुरेश एंड सन्स नाम से फर्म है, जो डालूराम के नाम से व्यवसाय करते हैं, उनका मिठाई का कारखाना यहाँ पर स्थित है। कारखाने में जो आपके फूड हैंडलर्स वर्क कर रहे हैं उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और अन्य जो फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड, स्वास्थ्य संबंधी अस्वच्छकर परिस्थितियों में मिठाइयों का निर्माण पाया गया है, जिसके क्रम में आज हम इनका लाइसेंस जो FSSAI रजिस्ट्रेशन इनने प्राप्त किया हुआ है उसको निलंबित किया गया है और अग्रिम आदेश तक ये कमियां पूर्ण करने तक इनका खाद्य कारोबार करने के रोक लगाया है। सर, ये फैक्ट्री कब से चल रही है? वो तो हम लाइसेंस की डेट देख कर देख पाएंगे, लेकिन लोग बता रहे हैं कि लगभग 2 साल से संचालित है। फैक्ट्री सील नहीं की जा रही है हम, यानी इनको खाद्य कारोबार करने से, क्रय विक्रय निर्माण करने से रोक रहे हैं। फैक्ट्री का मालिक कोई सरिता अग्रवाल करके हैं, मंडला निवासी सरिता अग्रवाल, पंकज श्रीवास्तव खाद्य सुरक्षा अधिकारी जबलपुर। हाँ, खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा आज सालीवाड़ा स्थित सुरेश एंड सन से काजू बर्फी, खोवा और अन्य जो इंग्रेडिएंट है जो मिठाई बनाने में उपयोग होते हैं, इनके नमूने जांच हेतु लिए गए हैं, जिन्हें राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल प्रेषित किया जाएगा और रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितने सिलेंडर मिले हैं? सिलेंडर अभी तो हमको 26 मिले हैं, तो हमने संबंधित विभाग को सूचित कर दिया है, वो जैसी भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो उपस्थित होकर करेंगे। खाद्य सामग्री से संबंधित क्या कुछ कमियां देखने को मिली है? नहीं, हाइजीनिक क्वालिटी के संबंध में तो नहीं कह सकते, हाइजीनिक कंडीशन तो है, यानी खराब पाई गई हैं, जिसके क्रम में हम इनको नोटिस भी दे रहे हैं। गंदगी वगैरह? हाँ हाँ। नहीं, लाइसेंस प्राप्त, अभी हमने इनका लाइसेंस निलंबित कर दिया है, ये अगर लाइसेंस उसको बहाल करने के बाद ही खाद्य कारोबार कर पाएंगे। अगर ये मिठाई बनाना जारी रखते हैं तो उस कंडीशन में हम फिर यानी इनका सारा सामान जब्त करके ले जाएंगे। ठीक।